शाह की रैली में पहुंची मनीष कश्यप की मां, हाथों में ज्ञापन पत्र और आंखों में थे आंसू। कहा मेरा बेटा निर्दोष, लगा है झूठा केस। बीजेपी के कद्दावर नेताओं से हुई मुलाकात, मां की गुहार से अमित शाह रखेंगे मनीष कश्यप के सिर पर हाथ। आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मधुबनी के झांझरपुर में रैली के लिए पहुंचे थे। वहीं लाखों की भीड़ उमड़ी थी और उस भीड़ में एक उम्मीद भरी नजरें मनीष कश्यप की मां की भी थी। दरअसल मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर उनकी मां मधुबनी जिले के झांझरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में पहुंची और वो गृह मंत्री को एक लेटर देकर बेटे की रिहाई की अपील कर रही हैं। उन्होंने उस लेटर के जरिए सीबीआई जांच हेतु ज्ञापन सौंपा है। वहीं अमित शाह की इस रैली में उनकी मुलाकात कई बड़े और दिग्गज हस्तियों से हुई, जहां बीजेपी के बड़े नेता ने मनीष कश्यप की मां से बात की और उनकी बात सुनी। वहीं उस ज्ञापन की बात करें तो उस पत्र में मनीष कश्यप की मां ने अपने बेटे की बेगुनाही का जिक्र किया है, साथ ही पूरे मामले में सीबीआई की जांच करने की मांग की है। साथ ही कहा कि मेरे बेटे पर से एनएसए हटा दिया जाए, क्योंकि उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि मनीष कश्यप की मां ने मीडिया वालों से बात करते हुए ये जिक्र किया कि उनका बेटा बिहार में भ्रष्टाचार और गरीब मजदूरों की आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठाता रहा, ऐसे में उनके बेटे पर एनएसए लगा दिया गया। मेरा बेटा निर्दोष है, उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, कृपया ध्यान दिया जाए। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अमित शाह की रैली में भले ही अमित शाह से मनीष कश्यप की मां की मुलाकात ना हुई हो, लेकिन उनके बजाय उनके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा एमपी राकेश सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हरीश साहनी, पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार शहनवाज हुसैन, इन लोगों से बातचीत हुई। मनीष कश्यप को लेकर इन्होंने मनीष कश्यप की मां से बातचीत की, दर्द सुना और उनकी तकलीफ को जाना है। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे से जुड़े सारे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि तमिलनाडु में जो भी घटना घटी थी उसकी सच्चाई सामने आ सके। वहीं मनीष कश्यप की मां ने लिखा है कि कुछ भ्रष्टाचार नेताओं द्वारा ईमानदार और राष्ट्रवादी पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। एक तरफ जहां मनीष कश्यप की मां अपने बेटे पर लगे एनएसए को हटाने की मांग कर रही है, न्याय की उम्मीद कर रही है, वहीं उससे पहले भी मनीष कश्यप की मां ने एक और अपील पत्र के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी। वहीं जो पत्र को मनीष कश्यप की मां लेकर पहुंची, उस लेटर में लिखा गया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के दयनीय स्थिति को लेकर बिहार सरकार से सवाल कर रही है। वहीं उसके ऊपर बिहार में 4 और तमिलनाडु में 6 अलग अलग प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कर दी गई। मनीष कश्यप की मां ने आरोप लगाया कि जब सरकार को लगा कि मामलों में मनीष कश्यप को बेल मिल जाएगी तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, मुझे इस बात पर भरोसा है। द्रौपदी मुर्मू से बात हुई, वहीं अब उनकी उम्मीद गृह मंत्री अमित शाह से है कि जरूर वो इस पर ध्यान देंगे और उनके बेटे को अब जल्द ही न्याय मिल जाएगा।